सुनवा देते हैं। मोर्चा की सुमन मीणा जी और गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी से लाल सोट विधानसभा से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, और मैं देख रहा हूं जिस तरह का उत्साह है, मेरे दिल के टुकड़े मेरे युवा साथियों और सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप इतनी बड़ी संख्या में रामविलास जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे भाइयों, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं बने हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 महीने पहले कांग्रेस का राज था, आपके यहां के भी मंत्री उस कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 साल के उनके कार्यों को भी देख लेना, जो उन्होंने 5 साल में लाल सोट के अंदर कार्य कराए थे, और हमारा पहली बजट की भी घोषणा देख लेना, जो लाल सोट के अंदर पहले बजट में जो घोषणा हुई है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यहां का क्षेत्र किसान का क्षेत्र है, यहां के किसान को जमीन भी है, यहां का किसान मेहनत कश भी है, लेकिन यहां के किसान को एक ही दिक्कत थी और वो थी खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया, ईआरसीपी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया, और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ईआरसीपी का एमओयू करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और यही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जल्दी ही हमारी उस परियोजना का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने वाला है, आप तैयार रहिए, उस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपको भी सभी को पधारना है, आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होगा, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलेगा तो टोंक, दौसा, जयपुर, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों को मिलेगा, क्योंकि हमारे ये 13 जिलों के ईआरसीपी का पूरा फायदा हमारे इसी क्षेत्र को मिलने वाला है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, यह सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा हमेशा उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किसान को संबल देने की बात कही थी, ना तो कभी उनका गरीबी जो थी उनका कभी उससे रिश्ता नहीं रहा गरीब से, और ना उनका कभी किसान से रिश्ता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार महिला, युवा, किसान और मजदूर की सरकार है, हमने उसको 4 भागों में बांटा है, और हम आपसे कहना चाहते हैं, और विशेषकर मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, जो किसान के बेटे हैं उनके माता पिता को जिन युवाओं से उम्मीद है, आगे आकर के वो पिता का सहारा बने, माता जी का सहारा बने, परिवार को आगे ले जाएं। मैंने आपके सामने बजट में कहा है कि इस साल में 1 लाख
युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आज लाल सोट के इस मंच से कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने कहा है कि 1 लाख नौकरी इस साल में देंगे और 4 लाख नौकरी हम 5 साल में युवाओं को दे करके दिखाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, क्या कि हम जो कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही जनता का विश्वास है। और हम आपके बीच के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान का बेटा अगर जहां कानून बनता है, जहां सरकार में अगर सम्मिलित होता है, अगर उसमें किसान का बेटा जाएगा तो वो किसानियत की बात करेगा और किसान के उत्थान की बात करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस मंच पर जो बैठे हुए हैं, रामविलास जी किसान के बेटे हैं, राजेंद्र जी किसान के बेटे हैं, तागड़ा जी किसान के बेटे हैं, मैं आपको मंच पर कहना चाहूं, जितेंद्र जी से लेकर के जितने सामने बैठे हैं वो किसान के बेटे हैं, और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। किसान के दर्द को हम समझते हैं, किसान के उस माता पिता के दर्द को भी हम समझते हैं। एक जब मेरे भाई को नौकरी मिलती है, एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलती है, तो उसके अंदर कितने परिवार उस खुशी में शामिल होते हैं। उनकी बहनों को भी खुशी मिलती है, उनकी बुआओं को भी खुशी मिलती है, चाचा को भी खुशी मिलती है, तो ताऊ को भी खुशी मिलती है, तो मामा को भी खुशी मिलती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई है, हमने जो संकल्प पत्र चुनाव से पहले गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी लेकर के चले थे, आपके बीच में आए थे, उसमें आपके भी सुझाव आए थे, उन सुझावों के माध्यम से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने पहला बजट दिया, कांग्रेस के लोग पूछते हैं आपने तो ऐसा बजट दिया जैसे चुनाव में जाने से पहले देते हैं। हमने कहा हम जनता में वायदे करके आए हैं, आपकी तरह लास्ट में दे करके जनता को बरगला करके बात नहीं करते, हमको काम पूरा करना है। इस बार हमने पूरा बजट पूरी तरह से दिया है, और जो हम कहते हैं हमारे मोदी जी कि शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे, इसलिए पहले बजट में इतना सब कुछ हमने दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास रखिए, जिस तरह का राजस्थान में आपने बहुमत दिया है, हमारी सरकार पुणे में दोहराना चाहता हूं, जो संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, एक एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी, एक एक वायदे को पूरा करेगी। आपने देखा है इन्होंने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, नेहरू जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव जी देके चले गए, मनमोहन जी भी देके चले गए, सोनिया जी भी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। भाई कब तक देते रहोगे? कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? इन युवाओं को मैं देख रहा हूं, जिस तरह से युवाओं के सपनों को रोंदने का काम किया था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, हमारे उस किसान को रुलाने का काम किया, किसान के बेटे को भी रुलाने का काम किया। किसान को पता है वो अपने बेटे को शहर के अंदर पढ़ने के लिए भेजता है, कोचिंग के लिए भेजता है, उसके लिए हॉस्टल दिलाता है, उसके लिए मकान दिलाता है, वो रात के अंधेरे में उसको पढ़ाने के लिए कहां से पैसा लेकर के आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पिता कहां से पैसा लेकर के आता है। किसान के मन, पिता के मन में यह भाव होता है,
कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, मेरा बेटा मेरे आगे चल करके मेरा सहारा बनेगा। मेरा बेटा जाएगा तो किसी नौकरी में जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा, उसका परिवार भी सुखी रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से इन्होंने पेपर लीक करके मेरे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को रौंदने का काम किया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भी वायदा किया था कि हम आएंगे तो इन सबको अंदर करने का काम करेंगे, अंदर करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने पेपर लीक के विरोध में एसआईटी गठित की और वो एसआईटी काम कर रही है। और आपने देखा होगा 115 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया है। और आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो वो विपक्ष के नेता कह रहे थे मछली पकड़ी है, अरे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा दौसा जिला हो, चाहे हमारा अलवर जिला हो, टोंक जिला हो, जो हमारी आवश्यकता की बातें थी, जो हमारे विधायकों ने एक एक मांग जो हमारे पास रखी थी, या हमारे कार्यकर्ताओं के रूप में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने मांग रखी थी, हमने एक एक मांग को उसमें से सभी को लिया है। और मैं अगर लालसोट की बात करूं तो हमारे इस नए बजट में हमने जितना दिया है, आप पीछे के कोई भी बजट उठा करके देख लेना, लालसोट को इतना कभी नहीं मिला होगा, इतना कभी नहीं मिला होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लालसोट में हमारी सरकार ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से लालसोट खटवा तक सड़क का नवीनीकरण और चौड़ाईकरण के लिए पैसा दिया है। यही नहीं,